अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिया बाजवा है। आज की वीडियो में मैं एटसी के बारे में गाइड नहीं करूँगी, बिकॉज एटसी का पेमेंट ऑप्शन जो हम पाकिस्तानी यूज़ कर सकते थे वो भी काफ़ी मुश्किल ऑप्शन थी, मगर वो भी फ़िलहाल बंद हो गई है। फिर भी आप एटसी पे शॉप खोल सकते हैं, क्योंकि एटसी पे एक शेयर की ऑप्शन है जिससे आप अपनी सोशल मीडिया साइट्स पे अपने प्रोडक्ट्स को शेयर कर सकते हैं। उससे आपका प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा पिंटरेस्ट पे और गूगल पे खुल सकता है, जिससे आपका नाम बाहर निकल सकता है और आपका प्रोडक्ट जो है उसकी तरफ काफ़ी ट्रैफिक आ सकती है। इसलिए आप अगर खोलना चाहें तो एटसी पे अभी भी शॉप खोल सकते हैं। शॉप खोलने की ऑप्शन उन्होंने हमारे लिए बंद नहीं की है। उसको अवेल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में 40 लिस्टिंग्स का लिंक मिल जाएगा, उससे आप शॉप खोल सकते हैं और 40 फ्री लिस्टिंग्स हासिल कर सकते हैं। मगर आज की वीडियो में मैं आपको कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताऊंगी। असल में जब मैं एटसी के बारे में गाइड कर रही थी लोगों को, तो मेरी फैमिली मुझे कह रही थी कि तुम सबको एटसी के तरफ बुला रही हो और किसी पाकिस्तानी ने कोई फ्रॉड करना है और उसके बाद एटसी ने पाकिस्तान में एटसी को बंद ही कर देना है। खैर, ये ओपन प्लेटफॉर्म है और मैं इस बात पर बिलीव नहीं करती थी कि मैं मेरे गाइड करने से कोई आएगा और फ्रॉड करेगा, क्योंकि मैं फ्रॉड करने के लिए तो गाइड कर ही नहीं रही थी। मगर बहरहाल जिसने भी फ्रॉड किया दुनिया में, ये भी पाकिस्तानी ने ना किया हो, मगर प्रॉब्लम ये है कि मैंने जब भी एटसी पे शॉप जिन जिन लोगों ने भी खोली मेरे लिंक के थ्रू भी, मैंने जाके विजिट किया, अगर आपको नहीं आइडिया तो मुझे एक ईमेल आ जाती थी कि इसने आपके कहने पे शॉप खोली है और मैं उस शॉप को जाके विजिट कर सकती थी। तो मैंने जब भी जाके देखा, मुझे यही नज़र आया कि पेपाल ऑन है और मुझे यही नज़र आया कि लोकेशन या तो गलत बताई हुई है, सेकेंडली मुझे नज़र आया कि जो फोटोग्राफ्स हैं वो चोरी की हैं, और थर्डली अगर प्रोडक्ट्स चोरी की फोटोग्राफ्स नहीं भी हैं तो प्रोडक्ट्स रेडीमेड हैं। यानी कि फ्रॉड की तो कोई लिमिट है थी नहीं, और मुझे लगा नहीं कि किसी ने भी ईमानदारी से खोलनी है शॉप। लेकिन उसके बावजूद आटे में नमक के बराबर जो है ना, वो कुछ लोग थे जिन्होंने जेन्युइन शॉप्स खोली भी, तो आपको आइडिया तो हो ही जाता है देख के शॉप को। फिर भी मैंने सोचा कि मैं उन चंद लोगों के लिए, और मे बी बाकी लोग भी इस रास्ते पे सही रास्ते पे आ जाएं और ठीक से जेन्युइन शॉप खोलें, तो मैं उनके लिए गाइड करती रहती हूँ। फिर भी एटसी ने कहा कि फ्रॉड कर दिया किसी ने, और ऑब्वियसली वो अदर के मेथड से ही फ्रॉड हुआ है और वो अदर का मेथड इस वजह से बंद हो गया है। मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड ज़रूर हुई हूँ, लेकिन यह है कि जब एक रास्ता बंद होता है तो और बहुत से खुल जाते हैं। तो मेरे लिए इतफाक से उसी लम्हे जब एटसी बंद हुआ है तो बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई और उसके दरवाजे खुल गए। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मेरे डोर स्टेप पे आई, उनके बारे में मैं आपको फ़िलहाल गाइड नहीं कर सकती, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं जिनकी तरफ मैं खुद गई हूँ और वहाँ पे जाके मैंने देखा है कि आप लोग भी उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं, चाहे आप कोई आर्टिस्ट हैं या नहीं है, यानी कि आप पेंटिंग करते हैं या नहीं करते, फिर भी आप उनको अवेल कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को। थोड़ा सा स्मार्टली और इंटेलिजेंटली अगर आप लोग उन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करें तो आपको काफ़ी उससे फ़ायदा हो सकता है। और उन साइट्स की पेमेंट ऑप्शन जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल है। बट बिफोर आई कम टू दैट पॉइंट, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों कोई डिसीजन ऐसा नहीं लेते कि हमने गलत रास्ते पे नहीं चलना। काफ़ी क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं गलत रास्ते पे, उस पे चल के क्या काफ़ी ज़्यादा तरक्की मिलती है इंसान को, आपका नाम रोशन होता है क्या, बहुत सारे आपकी क्या इनकम बढ़ जाती है, क्या फ़ायदा होता है वहाँ पे? मतलब मुझे अगर बहुत सारे ख़जाने वहाँ पे पड़े हुए मिलें तो तब भी मैं वो रास्ता चूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि उसकी जो डार्क साइड है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोगों को क्या पसंद है उसकी डार्क साइड? मुझे कमेंट्स में कई लोग पूछते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि मुझे उन चीज़ों का पता नहीं है, लेकिन मुझे उस सब चीज़ का नॉलेज है। मुझे पता है कि लोग अपना फेक आईडी बना के, अपना फेक एड्रेस बना के, अपना बैंक अकाउंट फेक बना के, आपको बहुत सी कंपनीज ऐसी मिल जाती हैं जो इस चीज़ के लिए सपोर्ट करती हैं, तो वो सब कुछ बना के आप पाकिस्तान में पेपाल से पेमेंट मंगवा सकते हैं। मुझे इन सब चीज़ों का पता है, और मुझे ये भी पता है कि किस किस तरीके से फ्रॉड होते हैं, और पार्सल्स के अंदर कुछ भी नहीं डाल के आप पार्सल कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, उसकी बहुत सारी के तरीके हैं और उनके बारे में मुझे अवेयरनेस है। मगर मुझे आप ऐसे बता रहे होते जैसे मैं वो उनके बारे में गाइड करूँगी, मैं फ्रॉड के बारे में गाइड नहीं कर रही। तो आप लोग मुझसे ये क्वेश्चंस मत करें और ना ही मुझे आप लोग कन्विंस करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे पता है कि वो रास्ता ठीक नहीं है, आई बिलीव इन दैट, और मुझे पता है कि जो सही रास्ता है उस पर जो जो अपॉर्चुनिटीज़ है मुझे वही अवेल करनी है। दिस इज़ माई डिसीजन, और मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि कोई डिसीजन लें। एक वो रास्ता है जो बहुत शॉर्ट है, जिस पे आपको बहुत से लोग कहेंगे कि ये सही रास्ता है, गलत वो वाला गलत रास्ता है, वो लंबा रास्ता है और उसमें बहुत मुश्किलें हैं। आपने कोई भी बिजनेस शुरू करना हो, आपको 10,000 लोग कहेंगे कि
फ्रॉड के बगैर तुम नहीं कर सकते हो बिजनेस, जबकि वो टोटली रॉन्ग सजेशन है. उस रास्ते पे आप आगे जरा सा जाएंगे ना तो अंधेरा ही अंधेरा, आपकी अपनी आइडेंटिटी भी नहीं वहां पे रहेगी और आपको कोई ऑप्शंस भी नहीं मिलेंगी, कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी वहां पे. कोई भी पसंद नहीं करेगा आपके साथ बिजनेस करना. उस रास्ते पे चल के आपको कुछ नहीं मिलेगा. एक डिसीजन लें कि हमने सही रास्ते पे चलना है. दरमियान में भी कोई रास्ता नहीं है. अगर आप समझ रहे हैं कि जहां जहां पे होगा मैं ईमानदारी कर लूंगा, जहां जहां पे होगा मैं बेईमानी कर लूंगा, मतलब ऐसे लोग तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाएंगे, तो उससे बेहतर आप कोई रास्ता चूज कर लें ताकि आपको पता हो कि आपने अपॉर्चुनिटीज को गेन करना है, आपने उनसे फायदा उठाना है. मुझे तो ये सही वाला रास्ता पसंद है और मैं उसी पे ही चल रही हूँ और मैंने उसी के लिए गाइड करना है. अगर आपको उस रास्ते के बारे में जानना है तो फिर आप मेरी वीडियोस भी देख लेंगे और आप मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसको भी देखेंगे, मगर अदरवाइज आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं कौन सी लैंग्वेज बोल रही हूँ और मैं क्या बताना चाहती हूँ आप लोगों को. बिकॉज जो गलत वाला रास्ता है ना, अगर आपने उसको चूज किया हुआ है ना, तो फिर जो सही रास्ते की अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको नजर नहीं आएंगी. बीच में एक दीवार आ जाएगी, आपका दिमाग जो है उसके दरवाजे सब उस रास्ते के लिए बंद हो जाएंगे. आपको उस रास्ते की अपॉर्चुनिटीज, जो सही रास्ता है, उसकी नहीं नजर आ सकती अपॉर्चुनिटीज. तो इसलिए अगर आपने उस डार्क रास्ते को चूज कर लिया है तो फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा. अगर आप लोग तो समझ रहे हैं ना कि जिन लोगों के पास पैसे हैं उनके पास फालतू हैं, या वो ब्लाइंडली आप पे ट्रस्ट करके आपको पैसे दे देंगे, तो जो फ्रॉड लोग हैं उनके बारे में उनकी कुछ एक कुछ मखसूस चीजें होती हैं जिसको देखते साथ ही अगला बंदा भांप लेता है कि ये फ्रॉड है. कुछ वो लालच दे रहे होते हैं या उनकी आइडेंटिटी छुपी हुई होती है, जैसे आप छुपाना चाह रहे हैं आइडेंटिटी अपनी. और कई लोग समझते हैं कि पेपाल नहीं है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं तो हम वैसे बहुत नेक लोग हैं, मगर ऐसा नहीं है. जब पेपाल आएगा ना तो फिर देखना यही सब लोग जो है ना वो तब भी ऐसे जुगाड़ लगा के काम कर रहे होंगे. बिकॉज पेपाल तो इंस्टेंटली आपके जो पैसे, अगर आप फ्रॉड करते हैं, आप नहीं पार्सल उस तरह का भेजते हैं या डायरेक्ट जो तो फोटोग्राफ है उससे जरा सा भी डिफरेंट अगर आपका प्रोडक्ट है, तो पेपाल तो इंस्टेंटली पैसे निकाल के आपके अकाउंट से वापस उनको दे देता है बायर्स को. तो ये कोई बर्दाश्त कर सकेगा यहाँ पे? मुझे नहीं लगता कि ये कई पाकिस्तानियों से बर्दाश्त होगा. तो मैं समझती थी कि ये जो रीजन है ना, पाकिस्तान, इंडिया का और भी कई मुल्क इसमें आते हैं, मुझे लगता था कि ये लोग फ्रॉड इसलिए करते हैं क्योंकि ये गरीब लोग हैं. यहाँ पे ज्यादातर लोग गरीब हैं और हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं होती हैं और हम बेचारे जो है वो मुफलसी के मारे हुए हैं. लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि रियलिटी जो है ना वो दूसरी तरफ से है. मतलब ये कि लोग फ्रॉड करते हैं तो तभी वो नहीं चलने देते किसी चीज को. मुझे ऐसा लगता है बड़ी से बड़ी कंपनी भी यहाँ पे आ जाएगी ना तो वो कानों को हाथ लगा के चली जाएगी, बिकॉज लोग ऑनेस्टी के साथ काम ही नहीं करेंगे. आपके साथ कोई भी काम नहीं करना पसंद करेगा. आपके अपने घर वाले आपको किक आउट कर देंगे अगर आप 10 दफा ऐसा कोई फ्रॉड करेंगे, यानी कि आपको कुछ लेने के लिए भेजा है और आप चीज लेके नहीं आए घर वापस, आप पैसे खा गए हैं, तो आपके घर वाले आपको नहीं पूछेंगे, तो बाकी बाहर की दुनिया तो आपको बिल्कुल ही नहीं पूछेगी. वो तो आपके साथ काम नहीं करना चाहेगी बिल्कुल भी. तो किस तरह से आप ये सोचते हैं और किस तरह से वो लोग मशवरा देते हैं जो लोग फ्रॉड के लिए मशवरा देते हैं और आपको सही रास्ते पे चलने के लिए डराने वाले इतने मिल जाते हैं, बार बार आपको डराएंगे. मैं पोस्ट ऑफिस जाती थी पार्सल करने के लिए तो मुझे डराते रहते थे कि ये गिफ्ट लिख दें इसको, पता नहीं क्या हो जाएगा, आपको कौन कौन से टैक्सेस देने पड़ जाएंगे, ऐसे ऐसे मेरा पूरी इनकम जो है वो टैक्सेस में चली जाएगी. मतलब इतना भी क्या है, आप लोगों को मैंने उनसे कहा कि मैं ये गिफ्ट भेज ही नहीं रही हूँ, तो जिसको जो रिसीवर होगा उसको कितनी हंसी आएगी मेरे ऊपर अगर वो देखेगा कि मैंने गिफ्ट थोड़ी लिया है, मैंने इसकी पूरी पेमेंट दी और इसने गिफ्ट मेंशन किया हुआ है इसको पार्सल पे. तो मतलब कुछ स्टूपिडिटी की भी हद होती है. इतना ज्यादा फ्रॉड की तरफ अगर आपने हर चीज फ्रॉड करना तो फिर आप जेबें काट ले लोगों की. उसको आप बिजनेस का नाम दे के बिजनेस को जो है ना वो खामखा में बदनाम ना करें. बिजनेस मैंने आपको बताया था पहले भी एक वीडियो में कि जो उसका पहला रूल जो मैंने पढ़ा था, एक बहुत अच्छा आर्टिकल था एक किसी बेस्ट सेलर का, और उसने जो पहला रूल बताया था वो ये बताया था कि आपने किसी और के पैसे को ज्यादा वो इम्पोर्टेंस देनी है कि उसके पैसों का नुकसान ना हो बनिस्बत अपने पैसों के. तो जो पहला असूल ही इतनी बड़ी ईमानदारी का है जो मेरे ख्याल से यहाँ पे तो लोग सोचते भी नहीं है इस बारे में. तो आपने किसी और के पैसों का थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होने देना, बल्कि उनको लगे कि उन्होंने जितना पे किया उससे ज्यादा फायदा हुआ उन्हें. तो मैं तो इसीलिए फ्री गिफ्ट्स भी बीच में डाल के पार्सल के भेजती थी ताकि लोगों को लगे कि हमें कुछ नुकसान नहीं है, हमें फायदा ही फायदा है इधर से परचेज करने में. तो लोग किस तरह से ये सोच लेते हैं, मतलब मुझे एक कमेंट मिला है अभी रिसेंटली और मैं इतनी हैरान हुई हूँ वो देख के. एक ही कमेंट के अंदर फ्रॉड के 10 तरीके पूछे हैं और वो मेरे से पूछ रहे हैं कि
मतलब आई एम श्योर कि वो बच्चा जिसने लिखा है वो बहुत इंटेलिजेंट होगा। मेरा मकसद उसके इंसल्ट करना है, उसको डिस्करेज करना नहीं है, लेकिन किस तरह की सोच उस बेचारे के दिमाग में डाली है लोगों ने कि वो मुझसे पूछ रहा है कि अगर हम नकली सेल कर लें रिश्तेदारों को बुला के और हम उन्हें फ्री में दे दें, लेकिन हमारा नाम हो जाएगा कि सेल है। सेकेंडली क्वेश्चन क्या था कि कोई ऐसा तरीका है मतलब पार्सल का हम ट्रैकिंग दे दें लेकिन असल में हमने वो भेजा ही ना हो पार्सल और हम पकड़े ना जाएं, मतलब ये वाला तरीका वो जानना चाह रहे हैं मेरे से। और उसके बाद क्या एक और ऑप्शन क्या थी मुझे नहीं पता, वो तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा भी फ्रॉड के बारे में ही क्वेश्चन था। तो मुझे नहीं ये फ्रॉड करने आते हैं, ना मुझे करने हैं फ्रॉड। किसी और को कितनी तकलीफ होगी अगर वो आपसे आपकी शॉप से कुछ लेता है आके और आप वो पार्सल पैक करके भेजने के काबिल ही नहीं है, आपके पास है ही नहीं वो प्रोडक्ट, तो वो क्यों किसी को तकलीफ देनी आपने, मत करें। उससे बेहतर है खुद कम खा लें, कम पैसों में गुजारा कर लें, कुछ मसला नहीं है उसके अंदर, आपको कोई रेपुटेशन आपकी खराब नहीं होती है उससे। तो खुद अगर आप सोचेंगे और कॉम्प्लेक्सेस में पड़ेंगे तो फिर ही खराब होगी, अदरवाइज आप अपना कॉन्फिडेंस रखें और जितना आपको हलाल रोजी मिलती है वो कमाएं। हलाल रोजी को बहुत सेंसिटिवली लेना पड़ता है, ये नहीं आप कर सकते कि हमारे यहाँ तो लोग अपने आईडी कार्ड पे अपनी एज सही नहीं लिखते, क्यों इस तरह से कर रहे हैं सब लोग, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। इस तरह के कामों को छोड़ दें और एक दफा डिसीजन ले लें, जो सही रास्ता है ना उसमें बहुत ग्रीनरी है, बहुत एडवेंचर है। आप एक दफा डिसाइड कर लेते हैं ना कि मैंने ईमानदारी से कमाना है और मैंने फ्रॉड करना ही नहीं है, जो वो काम करना ही नहीं है, तो जो जो अपॉर्चुनिटीज है ईमानदारी की वो मैं पूरी तरह से अवेल करूंगा, उसको अवेल करें अच्छी तरह से, उसमें बिल्कुल कोई रुकावट नहीं आपके आपके लिए आएगी। लोग आपको सपोर्ट करेंगे, सब आपसे बिजनेस करना चाहेंगे। अगर आप एम्ब्रॉयडरी भी करते हैं ना और आप ओरिजिनल और अच्छा काम आप बाहर निकालते हैं लोगों को दिखा रहे हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनीज भी आपको हायर कर सकती हैं, आपसे काम ले सकती हैं। अपनी आइडेंटिटी को मत छुपाएं, मत फेक अपनी कंट्री शो करें, पाकिस्तानी शो करें, मत इस तरह के गलत रास्ते पर चलें। तो ये एक दफा डिसीजन ले लें, उसके बाद आपको मैं आगे गाइड करती हूँ, मत वो वाले डिसीजंस लें, डार्क रास्ते पे मत जाएं। मेरी तो अब जितने भी यूथ है हमारे मुल्क की या जितने भी लोग हैं या जितने थोड़े से लोग जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, चले उनके बारे में ही बात कर लेते हैं, मैं उनसे यही कहूंगी कि वो एक डिसीजन ले लें, ठीक है? और वो सही रास्ते का डिसीजन लेंगे तो उसमें बहुत एडवेंचर भी है, उसमें उनका नाम भी है, उनको जितनी कमाई मिलेगी वो हलाल की होगी और उसमें बहुत सुकून भी होगा, आपको बरकत बहुत ज़्यादा पड़ेगी ऑनेस्टली। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको जिस साइट के बारे में बताना है वो है साची आर्ट। साची आर्ट जो है उसकी पेमेंट पाकिस्तान में अवेलेबल है और साची आर्ट की पेमेंट बहुत सी मुल्कों में नहीं भी अवेलेबल, जैसे नॉर्वे में अवेलेबल नहीं है और वो लोग यूज़ करना चाहते हैं साची आर्ट को मगर वो कर नहीं सकते हैं यूज़, क्योंकि साची पेपाल यूज़ नहीं करता, वो डायरेक्टली आपके बैंक में ही पैसे भेजेंगे। वो हाइपर वॉलेट को यूज़ करता है एज अ मिडल पार्टी, जो आपके पैसे लेके रख लेती है जब तक आपका पार्सल नहीं पहुंचता किसी को और वो रिसीवर रिसीव करके खुश नहीं होता, तो तब तक आपको वो पैसे विदड्रॉ नहीं करते आपके लिए। जैसे ही आपका पार्सल पहुंच जाता है तो आपको पैसे मिल जाते हैं, उससे आपके बैंक में आ जाते हैं। एक HBL पाकिस्तानी बैंक है और उसमें बाहर के जो पैसे हैं वो कुछ सेकंड्स में आ जाते हैं, मतलब आपको कुछ दिन वेट भी नहीं करना पड़ता, बाकी सारे बैंक्स में थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि साची आर्ट तो आर्ट की वेबसाइट है और वहां पे हमारा क्या काम, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो साची आर्ट पे आपको मटेरियल की बहुत एक वाइड रेंज है जो आप यूज करके अपना प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं, जिसको कि आप आर्ट कह सकते हैं। आप लोग मेटल को यूज़ कर सकते हैं, जिन लोगों को मेटल में कोई काम करना आता है वो मेटल से कुछ बना के अपलोड कर सकते हैं, थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, तो धागे का काम जिसको भी आता है वो यूज़ कर सकता है। उसके अलावा आप क्ले यूज़ कर सकते हैं, आप बर्तन बना के, जो भी बर्तन अगर किसी को बनाने आते हैं क्ले के मड के, वो बना के आप अपलोड कर सकते हैं। आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट वुड से बना के अपलोड कर सकते हैं। बेसिकली आपको करना यह है कि आपने अपने प्रोडक्ट का जो प्रैक्टिकल यूज है वो नहीं बनाना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कैनवस के ऊपर बैग कैनवस बैग्स बना के और उसको पेंट करके अच्छी वे सेल करना था, अब आप साची आर्ट पे कैनवस के ऊपर पेंट करके आप उसे एज एन आर्ट पीस सेल कर सकते हैं, मतलब आपने उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं बनाना है। अगर आपको कोई बर्तन बनाना है तो आप उसको ऐसे स्टाइल से बना सकते हैं कि वो आर्ट पीस लगे, लेकिन उसको प्रैक्टिकली यूज के लिए नहीं आपने बनाना कि उसमें कुछ खाया जा सके या उसमें कुछ सर्व कर सके। तो जो भी चीज होगी वो आर्ट होगा, वो प्रैक्टिकल यूज के लिए नहीं होगा। आर्ट एस्थेटिक्स के लिए होता है, आर्ट जो है वो
किसी खूबसूरती के लिए होता है या बदसूरती के लिए भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ही लाइट और ब्राइट टॉपिक्स यूज़ करें अपने आर्ट में। तो आर्ट क्रिएट करना हर एक के बस की बज़ाहिर लगता है कि बात नहीं है, और इट इज़ डिफ़िकल्ट, इतना आसान नहीं है वो। जब आप अगर आर्ट कोई चीज़ बनाने के लिए बैठेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा। कुछ स्टेप्स हैं ऐसे जो मैं आपको बताऊंगी जिससे आप अपने एस्थेटिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और ओरिजिनल काम कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़े से इंटेलिजेंटली यूज़ करेंगे तो आप इस साइट से बहुत सा फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सी प्राइसेस आपको हाई नज़र आएंगी चीज़ों की, उसकी वजह यह है कि साची आर्ट जो है वो 35% बीच में से प्रॉफिट लेता है आपकी प्राइस में से। एटसी 4 या 3% लेता था, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एटसी और इसमें। लेकिन एटसी पे 40 लिस्टिंग्स तो आपको लिंक के थ्रू फ्री मिल रही थी ना, मगर जब आप शॉप जनरली खोलते हैं, अगर आप लिंक से ना खोलें या वैसे भी आपकी काफ़ी अर्सा शॉप खुली रहती है, तो आपको हर लिस्टिंग के पैसे देने पड़ते हैं। वो लिस्टिंग्स फ्री नहीं थी, और 4 मंथ्स के लिए एक लिस्टिंग होती है। तो साची बिल्कुल फ्री है, आपको किसी के लिंक के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। आप साची पे अपना काम अपलोड कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये साइट्स ये नहीं कहती कि आप बहुत बड़ा नाम है या आप कहीं से एजुकेशन आपने आर्ट का हासिल किया हुआ है। जो प्रोडक्ट आप अपलोड कर रहे हैं उसका आपने एजुकेशन हासिल किया है तो तभी आप इस साइट पर आ सकते हैं। उनका एक सेक्शन है एजुकेशन का, आपने जो भी एजुकेशन हासिल किया आप वहाँ लिखते हैं और आप बताएं कि मैं ये काम, मतलब इन रियलिटी मैं इंजीनियर हूं या मैं कुछ भी, आप अपने जो भी इन रियलिटी फील्ड है आपकी आप उसके बारे में बता सकते हैं। मगर मैं ये आर्ट का काम भी करता हूँ, ये मेरा पैशन है या मुझे शौक है अपने फ्री टाइम में करने का, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। जो जेन्युइन चीज है, जो हकीकत है, वही आप लिखें साइट पे। बहुत सारे साक्षी आर्ट पे आपको सेल्फ टॉट आर्टिस्ट भी मिल जाएंगे जिन्होंने अपने एजुकेशन में लिखा हुआ है कि सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं हम। तो आप साची पे लाइट के थ्रू, जिनको लैंप्स बनाने का शौक था, मुझे कितने लोगों ने लिखा, एक लिखा था कि मैं स्टूडेंट हूँ मगर मैं अपने फ्री टाइम में मैं लैंप्स बनाता हूँ, तो अगर मैं कोई लैंप सेल करना चाहूँ एटसी पे तो मुझे क्या क्या करना होगा, वो मुझसे गाइडेंस ले रहा था। तो आप साची पे, साची आर्ट पे आप लाइट का बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रोडक्ट्स लाइट के हवाले से लगाए हुए हैं। तो बेसिकली आपको उसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं करना उस लाइट में या उस लैंप में, किसी ने बैठ के पढ़ना नहीं है, या वो इंटीरियर में डेकोर के लिए सिर्फ वो यूज हो रहा है, वो इसलिए यूज नहीं हो रहा कि उसकी लाइट से कोई पर्पस हासिल हो रहा हो या रोशनी हो रही हो, ठीक है। तो आप वहां पे आप अच्छी तरह से साइट पे जो भी आपने चीज सेल करनी है उसके बारे में देखें, और इस साइट के अलावा भी देखें, फिर आपको उससे काफी आइडियाज आएंगे। मैं बहरहाल उसके बारे में ओरिजिनल काम, लेकिन अगर आपका होगा तो आप उसके लिए चार्ज कर सकते हैं। इन साइट्स की वैसे कोई ज्यादा डिमांड नहीं है, जो स्पेशली जो साची आर्ट में आपको आज जिसके बारे में बता रही हूँ उसकी वैसे कोई ज्यादा डिमांड नहीं है, मगर उनका एक है कि ओरिजिनल काम हो। तो वो आपने जो भी काम आप अपलोड करते हैं वो आपसे एक तरह से हल्स ले रहे होते हैं कि आपने ओरिजिनल है और आपका अपना काम है, ऑथेंटिक है। तो ओरिजिनल काम कैसे करना है वो तो मैं आप लोगों को कह ही रही हूँ कि मैं उसके लिए वीडियो बना रही हूँ। थोड़ा उस लंबा प्रोसेस है उस वीडियो का, मगर मैं स्टेप्स में, मैं इसी स्टेप्स में चूंकि बनाना चाह रही हूँ तो मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, वरना मैं शायद जल्दी बना लेती वो वीडियो। मगर मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसको ऐसे अरेंज करूँ कि आप लोग वो प्रैक्टिकली कर सकें वो सब काम। तो ओरिजिनल काम का ये नहीं होता कि आपने कहीं से देखना ही नहीं है और सब कुछ अपने दिमाग में करना है। बहुत से उसमें स्टेप्स ऐसे होते हैं जो सब आर्टिस्ट लेते हैं और सब डिज़ाइनर्स लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज देती हैं, वो स्टेप्स आपको गाइड करते हैं कि क्या आपने डिज़ाइन करना है। वो इजी स्टेप्स हैं और इतने मुश्किल नहीं है वो, और आप अपने फ्री टाइम में कुछ ना कुछ बना सकते हैं। आर्ट की चीज़ के साथ बस एक ये होता है कि आपने बहुत ज़्यादा, आप जल्दी जल्दी नहीं बना सकते। जैसे ये कोई फैक्ट्री नहीं होती है कि आप जल्दी जल्दी बना के बहुत कुछ आप आगे दे दें। बास चीज़ें मैं भी बनानी शुरू करती हूँ, मुझे एक मैं स्कल्पचर बना रही हूँ आजकल, वो मैंने तकरीबन काफ़ी महीनों से शुरू किया हुआ है, उसका डिज़ाइन, उसका बेसिक आइडिया, तो वो स्टक हुआ हुआ था बिल्कुल, और अब जाके मुझे उसका कुछ आइडिया मजीद मेरे दिमाग में आया है और मैं उसको आगे अब बनाने लगी हूँ। मगर ये होता है कि आर्ट की चीज़ में ये होता है कि आपने, आपकी एक लैब होती है, ठीक है, आप एक साइंटिस्ट की तरह भी काम कर रहे होते हैं और आप एक आर्टिस्ट की तरह भी काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके जाहिर है इसका टेक्निकल एस्पेक्ट भी होता है इन सब कामों का, और वो भी आपको सीखना पड़ता है साथ साथ। तो एक लैब की तरह होता है जिसमें आपने रोज काम करना है, और फिर जब कोई चीज बन जाती है ऐसी जो प्रेजेंटेबल हो, तो फिर आप उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, यानी कि आप उसको अपलोड करते हैं या किसी गैलरी में भेजना होता है तो फिर आप भेजते हैं।
तो थोड़ा सा इसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसी वजह से वो ज्यादा चार्ज कर रहे होते हैं आर्टिस्ट, क्योंकि उनका वो क्रिएटिव ओरिजिनल आइडिया होता है। मगर ओरिजिनल का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं से भी नहीं देख सकते, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ से आप खुल के कॉपी कर सकते हैं, और उसके बारे में मैं आपको अपने वही जो स्टेप्स हैं ओरिजिनल काम करने के उसके अंदर बताऊंगी। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आपने कहीं से कॉपी नहीं करना, वो बहुत सख्ती से रिस्ट्रिक्शन है। उसके बाद आपको आइडिया होगा। मैं इस ज़्यादा डिटेल में अभी इस वीडियो में नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे साची आर्ट के बारे में आप लोगों को भी बताना है। मगर वो जो वीडियो आप स्टेप्स फॉलो करेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे स्टेप्स लेके आपने कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करके आप आर्ट बना सकते हैं किसी भी चीज़ से, जो भी आपको आता है। मैं आपको जो भी आपकी फील्ड है, शौक है आपका जिस चीज का भी, जैसे अगर वुड वर्क का आपको शौक है तो मैं उसके बारे में तो आपको नहीं बता सकती कि जो उसका टेक्निकल एस्पेक्ट है, मगर जो उसका एस्थेटिक्स से रिलेटेड काम है उस सारे के बारे में मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। तो अगर आपको नेचुरली किसी चीज में इंटरेस्ट है, जैसे बिजली के काम में इंटरेस्ट है, लाइट्स में इंटरेस्ट है आपको, आपको वायर्स अच्छी लगती हैं, आपको वुडन पीसेस, आपको लेफ्ट ओवर चीजें जो लकड़ी की बची हुई होती हैं, आपको एंटीक से कुछ या जंग से कुछ बनाने का शौक है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, आपने उसके टेक्निकल साइड खुद देखनी है और आपने उसको इंटरनेट से या जिधर से भी मजीद सीखना है वो सीखना है खुद ही, मगर उसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगी। मगर मैं आपको बताऊंगी उसका एस्थेटिक एस्पेक्ट, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने ओरिजिनल काम करना है, मगर उसको ऐसे स्टैंडर्ड पे करना है, ऐसे स्टैंडर्ड पे लेके जाना है कि आप उसके लिए बहुत ज्यादा चार्ज भी कर सकें, और वो चार्ज जो आप करें वो आपसे खरीदने वाला रिग्रेट ना करे, उसको लगे कि ये सही चार्ज किया है इसने। तो जब एक चीज सिर्फ आप बना रहे होते हैं ना, तो और किसी और जगह वो मिलती नहीं है एग्जैक्टली वैसी इन द बिगिनिंग, तो वो उसके लिए आप कुछ भी चार्ज कर सकते हैं और आपको देने वाले देने को भी तैयार हो जाएंगे। मगर बाद में उसकी जब अगर वो लोग देखते हैं कि अच्छा ये बिक गई है, तो उसके बाद उसकी नकलें आना शुरू होती है। मगर होता क्या है कि जो बंदा क्रिएट कर रहा होता है उस चीज को, वो और कुछ और क्रिएट करना शुरू होता है, यानी कि उसकी जो क्रिएटिविटी है वो वहां पे स्टॉप नहीं होती है, वो कुछ और उससे बेहतर या कुछ और बनाना शुरू हो जाता है। तो फिर वो लोग जो पे करने वाले हैं वो फिर उसको पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से ये चीज चलती है। तो हमारे यहाँ पे और बहुत पूरी दुनिया में भी ऐसा होता होगा आई एम श्योर, कि वो लोग समझते हैं कि नकल कर लो तो वो इजी रहेगा, और नकल के लिए वो थोड़ा थोड़ा चार्ज करते हैं, और मेहनत तो बहुत ज्यादा होती है नकल में भी। नकल में कम मेहनत लगती है क्या? बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो वो मेहनत अगर आप सही डायरेक्शन में कर लें तो आप अपने प्रोडक्ट के लिए ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, मगर उसके लिए थोड़ा सा ना एक बैकग्राउंड में ऐसा होमवर्क करना पड़ता है जिससे बहुत से लोग जान बचाते हैं। मगर मैंने उसी होमवर्क को या उसी जो प्रोसेस होता है बैकग्राउंड में उसको सिंप्लीफाई किया है। बहुत से लोग उसको शेयर नहीं करते हैं फॉर सम रीजन। मैंने पहले भी बताया था कि जो क्रिएटिविटी का रास्ता है ना, उसके बारे में बहुत लोग शेयर नहीं करते हैं। मतलब वो ये नहीं बताते हैं कि वो किसी चीज को कैसे बनाया उन्होंने, या उन्होंने अपनी जो थॉट्स हैं या अपनी जो अप्रोच है वहां तक कैसे लेके आए, अपने दिमाग को कैसे वहां तक लेके आए, किन किन रास्तों से वो गुजरे, बहुत कम लोग बताते हैं इस बारे में। तो इसीलिए मैंने वो सिंप्लीफाई की है, जो मेरे अपने एक्सपीरियंस में भी है और जो मुझे दूसरी जगहों से भी पता चला था, और मैंने प्रैक्टिकली यूज की वो ट्रिक्स तो मुझे बहुत काम आई, वो भी मैं शेयर करूंगी, और जो मेरे अपने एक्सपीरियंस से भी मैंने सीखा वो मैं आपसे शेयर करूंगी। मगर साची आर्ट पे जब आप चीज अपलोड करेंगे तो उसके बाद उनके कुछ साइट पर ही पैकिंग के तरीके बताए हुए हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। पैक आपने अच्छे तरीके से करना है। अगर आपकी पैकिंग गंदी है, बुरी है, खराब है, तो वो फिर डैमेज हो जाएगा आपका पार्सल, और फिर आपको वो पैसे रिलीज नहीं करेंगे अगर वो आपकी फॉल्ट की वजह से डैमेज हुआ है। अगर वैसे वो कुरियर सर्विस वालों से गुम हो जाता है तो फिर वो आपको पैसे फिर पे कर देंगे, क्योंकि उसकी इंश्योरेंस हुई होगी। अच्छा, अब एक बहुत अच्छी बात यह है कि साची आर्ट जो है वो खुद आपके घर कुरियर वालों को भेजेगा, और आपको कुरियर वालों को पे भी नहीं करना पड़ेगा। जब आप अपने प्रोडक्ट का साइज और उसके जो है डायमेंशंस और उसका वेट लिखेंगे साची आर्ट पे, जब आप लिस्टिंग वहां पे बना रहे होंगे, तो फिर साची खुद कैलकुलेट करेगा। उन्होंने फ्लैट रेट्स लिए हुए हैं फेडेक्स और DHL वालों से, इन सबसे फ्लैट रेट्स लिए हुए हैं, तो वो खुद कैलकुलेट करके आपको बताएगा कि इतने पैसे आपके पार्सल के लगेंगे, और उसके हिसाब से आप देखेंगे कि प्रॉफिट भी आपको बताएगा कि आपको कितना होना है, और साची वालों ने कितना लेना है, और टोटल प्राइस कितनी नजर आएगी बायर्स को। तो वो आपको सारा कुछ गाइड करेगा लिस्टिंग बनाते वक्त। उसका फायदा ये होगा कि
आपको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा पार्सल करने के लिए, आपने सिर्फ घर में पार्सल को पैक करना है, जब आपकी सेल होगी तो साची आपको मेल कर देगा और ईमेल करके आपको बताएगा कि आपकी सेल हो गई है, तो आप उसको पैक कर लें। वो आपको 3 डेज देता है पैक करने के लिए और वो आपसे कंफर्म करेगा कि ये अवेलेबल है और सब कुछ मतलब 3 डेज में पैक हो जाएगा या नहीं। तो आप में 3 डेज में उसको जल्दी से पैक करना है और फिर आपको वो कॉल करके भी बता देंगे या मेल ईमेल करके बता देंगे कि कोरियर वाले कितने बजे या किस दिन आएंगे लेने के लिए, और फिर वो आकर आपसे पार्सल ले जाएंगे और पैसे आपसे नहीं लेंगे पार्सल के, सिर्फ पैकिंग का आपको खर्चा उठाना पड़ेगा। और जाहिर है कि पैसे साची वालों ने रिलीज नहीं किए होंगे, हाइपर वॉलेट जिसको वो यूज करते हैं एज ए मिडिल पार्टी, वो आपको पैसे रिलीज नहीं करेगा। मगर जब आपका पार्सल जला जाएगा और वो इन कोरियर सर्विस के जरिए जाएगा, तो आई एम श्योर कि वो 6 दिनों के अंदर अंदर तो पहुंच ही जाएगा पाकिस्तान से, अगर जस्ट लेट्स से यूएसए जा रहा है तो वो आई थिंक इससे जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वो जब पहुंच जाएगा और बायर्स को मिल जाएगा, वो पार्सल खोल लेंगे, बाद वो फॉरन पार्सल नहीं खोलते, वो बिजी होते हैं, तो फिर वो पार्सल अगर 1-2 दिनों में खोल लेंगे तो उसके बाद वो उनको मतलब श्योरिटी दे देंगे कि हमें मिल गया है और वो सेम चीज़ है जो हमें दिखाई गई थी, तो फिर आपको पैसे रिलीज हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि HBL पर और भी शायद कोई बैंक्स हों, अगर कोई ऐसे बैंक्स हैं अगर आपको पता उसके बारे में तो आप कमेंट्स में बता दें। तो HBL जो है वो उसी वक्त कुछ सेकंड्स के अंदर आपके बैंक में पैसे आ जाते हैं और आप वो निकलवा भी सकते हैं। इज़न्ट दैट अमेजिंग के मतलब आपके ये अपॉर्चुनिटी थी और मैंने उसको कभी यूज़ ही नहीं किया। मैंने इसको यूज इस तरह से नहीं किया था कि एक तो मैंने देखा, मैंने अकाउंट बनाया था आज से कुछ साल पहले साची आर्ट पे, क्योंकि ये इतना फेमस नाम है और मुझे लगा कि यहाँ तो जरूरी मुझे अपलोड करनी चाहिए पेंटिंग्स। मगर हुआ है कि मैंने देखा कि इनके इनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा है और मैं मुझे बहुत प्राइसी रखनी पड़ेगा, अपना आर्ट बहुत प्राइसी रखना पड़ेगा। तो और सेकेंडली मुझे लगा कि एटसी पे मेरी शॉप चल गई थी तो मुझे लगा वो तो बिल्कुल ही 3% लेते हैं, और मुझे थोड़ा मुश्किल लगा कि दोनों जगह पे मैं काम लगाऊंगी। और मसला ये था कि मुझे साची के लिए स्पेशली आर्ट मतलब सेपरेट आर्ट अपलोड करना पड़ना था, क्योंकि आप प्राइस ऐसे ही नहीं रख सकते कि ऑनलाइन किसी साइट पे तो आपका वही वाला आर्ट सस्ता मिल रहा है और किसी साइट पे महंगा मिल रहा है, इस तरह से करना सही नहीं है, ये फाउल गेम होगी। तो मैं स्पेशली कुछ ऐसा बना नहीं सकी जो मैं सिर्फ साची पे अपलोड करूं, मैं एटसी पे ही ज़्यादा नहीं अपलोड कर सकी। लोगों की कम से कम 200 पेंटिंग्स लोगों ने लगाई हुई थी एटसी पे, तो मेरी तो कभी उसके करीब भी काम नहीं पहुंचा, मेरी 50 कभी पेंटिंग्स नहीं हुई थी। बीच में से सेल हो जाती थी ठीक है, लेकिन और काम मजीद उतना बैकअप नहीं होता था मेरे से बनता था, मैं इसे लगा नहीं सकी वहां पे साची पे काम। मगर अब जब मैंने देखा कि इनकी पेमेंट मेथड भी इतना स्मूथली पाकिस्तान में पहुंच जाता है, और अब मतलब वो जितना भी चार्ज करते हैं, आप अपने एक ट्रिक कर सकते हैं, आपकी पार्सल जो है ना उसको जरा लाइट वेट और ऐसा रख लें कि वो शिपमेंट के पैसे कम से कम हो, ताकि जो ग्रैंड टोटल है ना वो बायर्स को इतना ज्यादा ना लगे आपके काम का। अगर आपका शुरू में आपको लगता है कोई कुछ इमेच्योर सा लग रहा है, ग्रेजुअली जब आपका काम इम्प्रूव होगा तो फिर आप उसके लिए ज्यादा चार्ज भी कर सकते हैं। एक बात मुझे बहुत से लोग कहते थे कि हम प्रिंट्स बेचना चाहते हैं, हम ऐसी चीजें अपलोड करना चाहते हैं जो कि इंस्टेंट डाउनलोड हो और लोग उसी वक्त डाउनलोड कर लें, हमें पार्सल ना भेजना पड़े। ऐसे लोगों के लिए भी साक्षी आर्ट के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप कोई अपना ग्राफिक डिजाइनिंग या जो भी चीज़ आपने बना बना सकते हैं आप, जो आपको काम आता है वो करके, या फोटोग्राफ्स को एडिट करके जैसे करते हैं लोग आर्ट पीस बनाते हैं, वो आप करके साक्षी आर्ट पर प्रिंट्स के लिए भी अपलोड कर सकते हैं। तो साची आर्ट आपको प्रिंट के ऑप्शन देता है, जिसके अंदर जो मैंने भी अपनी पेंटिंग्स के लिए ऑन किया है, काफ़ी सारी पेंटिंग्स के लिए ऑन किया है मैंने, उसमें ये होता है कि साची आप जो आर्ट है वही आप आपके प्रोडक्ट का जो प्रिंट है वो लेगा और उसको फ्रेम करके या जो भी बायर्स की डिमांड है वो पूरी करके वो भेज देगा और आपको उसका कमीशन मिलेगा। यानी कि कुछ करना भी नहीं होगा उसके लिए, आपने जो भी चीज़ अपलोड की है उसका पार्सल भी नहीं आपको भेजना पड़ेगा। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या अगर आप चाहे साइंस के स्टूडेंट ही क्यों ना हो, अगर आपको थोड़ा बहुत ग्राफिक्स का काम आता है, जो कि मुझे पता है आजकल बहुत सारे लोगों को आता है, तो आप फोटोशॉप या जो भी आप यूज़ करते हैं, मैं तो फ्री वाला यूज़ करती हूँ गेम, फोटोशॉप मुझे आता है यूज़ करना, लेकिन मैंने फोटोशॉप खरीदा नहीं और मुझे वो लगता है कि क्रैक की हुई वर्जन है सीडी का, वो यूज़ करना ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ। मगर अगर आप फोटोशॉप अफोर्ड कर सकते हैं, आप वो खरीद सकते हैं, वो खरीद लें। आप अगर वेक्टर बना सकते हैं तो वो बना लें, वरना फिर आप फोटोग्राफ्स को एडिट कर सकते हैं, आप उसके ऊपर पेंट भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ बना के फिर आप उसकी फाइनल फोटोग्राफ्स लेके आप उसको प्रिंट के लिए अवेलेबल कर सकते हैं साची आर्ट पे।
उसके बाद आपको ये होगा कि उसमें से कमीशन अच्छा खासा मिलेगा, मतलब तो जो मिनिमम अमाउंट भी है वो मैंने जो अपनी पेंटिंग्स की लगाई है वो ज़्यादातर $50 मुझे मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, लेकिन एक बार उस पर लगी हुई है, अगर आप उस बार को आगे मूव करें तो आप ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं। बट मैं क्योंकि ओरिजिनल पेंटिंग साथ बेच रही हूँ तो मुझे ज़रा प्राइस डिफरेंस रखना है ओरिजिनल में और प्रिंट में, ऐसा ना हो कि प्रिंट ही बिक रहे हों और ओरिजिनल ना बिके, या दोनों की प्राइस क्लोज नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आप लोग ओरिजिनल सिर्फ चीज़ बेच रहे हैं प्रिंट की फॉर्म में और आपका ओरिजिनल वो वाला इट्सेल्फ नहीं जाना कहीं पर भी, तो फिर आप उसके लिए ज़्यादा चार्ज कर लें, आपको तो डिफरेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप उस बार को आगे मूव कर दें राइट साइड पे, तो आपका प्रॉफिट नीचे वो चेंज होता जाएगा। तो साची इस हवाले से बहुत अच्छा है। पैकिंग की भी वीडियोस उन्होंने अपलोड की हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं। पेंटिंग्स की पैकिंग की वीडियो मुझे इतनी ठीक नहीं लगी क्योंकि मेरे ख्याल से डैमेज हो सकता है उस तरीके से पार्सल जिस तरह से वो पैक कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल आप खुद भी एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं पैकिंग में। लेकिन आप देखें कि आपका थोड़ा सा सफ़र लंबा है। साची ने आपको जनरली बताया है साची आर्ट पे कि किस किस तरीके से आप पैक कर सकते हैं, मगर आप खुद थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर कर लें ताकि पार्सल डैमेज ना हो। और अगर आप प्रिंट्स बेच रहे हैं तो फिर तो आपको पार्सल करना ही नहीं है। तो थोड़ा सा इंटेलिजेंटली अगर यूज़ करें आप तो साइट से काफ़ी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और प्राइसेस आपने ऑब्वियसली काफ़ी हाई रखी होंगी क्योंकि साची आर्ट का अपना प्रॉफिट बीच में बहुत ज़्यादा है, तो आप लो प्राइस रखना तो अफोर्ड कर नहीं सकते। तो अब मैं आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में गाइड करूंगी कि आपने कैसे ओरिजिनल काम करना है और कैसे ऐसा काम करना है जिसके लिए आप चार्ज ज़्यादा कर सकें। तो अगर आप लोगों ने ये रास्ता चूज़ कर लिया है सही वाला, हमारे हमारा क्या हर दिन मेरे ख्याल से यही बताता है कि यही सही रास्ता है। और अगर आपको फिर भी वो वाला डार्क वाला रास्ता अट्रैक्ट कर रहा है तो फिर आप उसी रास्ते पे चले जाएं, फिर अपने आप को बॉदर ना करवाएं इस रास्ते के लिए। और अगर आपको ये रास्ता अट्रैक्ट कर रहा है तो फिर मैं आपको गाइड करूंगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरीके से आप इजिली एक ओरिजिनल काम अपलोड कर सकते हैं जो कि सिर्फ आप बेच रहे होंगे और वो लोग आपसे खरीदना पसंद करेंगे, उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होगी कि वो कहीं और से जाके वो चीज लें। तो इसन दैट अमेजिंग कि आप ओरिजिनल काम और उसका आपकी पर्सनालिटी पे, आपके अपने घर पे, आपकी अपनी चॉइसेस पे इतना ज़्यादा उसका असर पड़ता है ना कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। एक इंस्टीट्यूट होगा जिसमें आप सीख रहे होंगे, ऑब्वियसली आपके घर में अगर आपकी अपनी एक लैब है और आप उससे रोज एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, आप कितना कुछ सीख सकते हैं उसके साथ। तो इंशाल्लाह ताला मैं गाइड करूंगी और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, मैं इंशाल्लाह ताला आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि क्या करना है। मुझे लगता है कि खुदा हाफिज कहने का टाइम आ गया है। खुदा हाफिज।